साक्षी आज लास्ट डे है, कल लास्ट डे है इनफैक्ट एट स्टेंज, तो थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टेंज के अंदर, जॉब एक्सपीरियंस, चैलेंजेस, इन सब के बारे में, सो दैट जो लोग जॉब के लिए जाते हैं इनिशियली उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ख़ास तौर से लड़कियों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उनको पता चलेगा कि कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है और अपनी तरफ से क्या केयर लेना पड़ता है, है ना। और हमारा एक करियर कमबैक भी प्रोग्राम है, सो एज अ गर्ल एज अ वुमन तुम्हारे कुछ इनसाइट्स होंगे उनके लिए भी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बाकी हम लोग टीम मेंबर के बारे में भी करेंगे, है ना। सो सबसे पहले मुझे बताओ कि स्टेंज के अंदर जो जॉब था ये फर्स्ट जॉब था या इससे पहले जॉब किए थे कहीं? नहीं, एक्चुअली मैंने एक जॉब किया था, मतलब वो बहुत कम टाइम के लिए था, 1 मंथ किया था मैंने। मैं पहले वो एक मतलब ललित प्रोडक्ट्स करके है जलगांव में, उनके अगरबत्ती के प्रोडक्ट्स होते थे, सो मैं उनके लिए रिटेल मार्केटिंग करती थी, मतलब एग्जीबिशंस में होते तो उनके प्रोडक्ट के बारे में बताना ऐसा। सो उन्होंने मुझे बताया कि दिवाली की हॉलीडेज वगैरह है, चल रहा है वेकेशन, तो तुम जॉब करोगे क्या डेली कॉलिंग का? सो मैंने भी क्यूरोसिटी में स्टार्ट किया वो, बट वो 1 मंथ ही किया मैंने, मतलब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और उनको भी ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल रहा था वैसा जैसा उनको चाहिए था, क्योंकि उनकी ऐसी मतलब ऐसी मार्केटिंग नहीं थी कि कॉलिंग्स, मतलब ऐसा उनका मार्केट ही नहीं था कि कॉलिंग्स पर हो पाए ऐसा। सो फिर मैंने वो ड्रॉप किया, उसके बाद फिर मेरा स्टेन्स में ही सेकेंड जॉब, मतलब एक्चुअली स्टेन्स ही मेरा फर्स्ट जॉब है। फर्स्ट जॉब है, और उस टाइम पे जिस टाइम पे जॉब स्टार्ट किया कॉलेज चल ही रहा था, है ना? तब तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मैं ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन कर ली थी तब बीबीए में। करेक्ट। सो इनिशियली जब जॉब स्टार्ट कर रहे थे, मेरा जो फीडबैक इतना दिन का रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर में तुम लोग क्या खिलाते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। और मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं जब बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टेज में जब बात हो रही थी कि कौन रहेगा फ्रंट पे, तो मेरा एक ही फीडबैक था कि यार ऐसा कोई होना चाहिए ना जिसको देख के मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, है ना, थोड़ी मुझ में भी एनर्जी आ जाए एंटर किए किए। सो वो मैंने एक्सपीरियंस किया तुम्हारे साथ में, तो ऐसा क्या होता है, क्या है जो सुबह सुबह एनर्जी आती है कि चलो जॉब पे चलते हैं और पूरे मन लगा के काम करते हैं? नहीं सर, एक्चुअली मेरा तो ऐसा है ना कि मैं खुद एनर्जी, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं अगर बहुत अच्छी रहूँ कि मैं एकदम एनर्जी में हूँ अच्छा, तो मेरा दिन अच्छा जाता है, और मैं बात करूँ तो ही नहीं, तो मैं तो 5 मिनट शांत नहीं बैठ सकती, सामने वाला बात करने पे मजबूर कर दूंगी उसको, तो बात करना ही पड़ेगा उसको। तो मेरा ऐसा है कि कोई भी हो मैं उससे बात करती हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ, स्ट्रेंजर भी कोई मिल जाता है, मैं अगर खाली बैठी हूँ तो बात कर लेती हूँ कि कैसे हो आप, ट्रेन में भी अगर सफर कर रही हो, ट्रैवल कर रही हो, तो पूछ लेती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो मेरा नेचर ही है कि मैं, और वो रिफ्लेक्ट करता है हम लोग सब भी, ये हमारा भी एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे साथ में कि डे 1 से ही वी वर वेरी कम्फर्टेबल कि चीज़ें हैं, एंड जो मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स भी तुम्हारे साथ काफ़ी कम्फर्टेबल होते हैं, और ख़ास तौर से लड़कियां जो आती हैं, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि शेयर करती हैं अपने चीज़ों को कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या हैं, तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कैसा रहा कि हम लोग यहाँ प्लेसमेंट भी कराते हैं लड़कियों की, कई बार लड़कियाँ प्लेस तो हो जाती हैं, नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, मगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ एक के साथ, सब के साथ नहीं, कि 1-1.5 महीने में वो बैकआउट कर जाती हैं। तो तुम्हारा क्या थॉट है, ऐसा क्यों हो पाता है? मतलब लड़कियों के साथ ही मैंने देखा है लड़के स्विच करते हैं, लड़कियां बैकआउट कर जाती हैं, एंड देन दे आर मोर कम्फर्टेबल कि सर हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं क्या, घर से कर सकते हैं क्या, तो इस पे तुम्हारा क्या थॉट है? सर इस पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी वर्क कल्चर भी बहुत अफेक्ट करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है आसपास में हमारे, और लड़कियों का कैसा है ना, उनको अगर ऐसा कोई मिल जाए जिनकी कहानी उनसे सिमिलर हो तो फिर वो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उनसे, मतलब कनेक्ट कर पाते हैं। अभी मेरा ऐसा है ना, मैं अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ शेयर किया तो मेरी अपनी कोई कहानी बता देती हूँ कनेक्ट करने के लिए उनको, और उनको समझाने के लिए, मतलब बहलाने के लिए कि आप जो फेस कर रहे हो मैंने भी देखा है कहीं। मैं ऐसे कभी कभी उनको बता देती हूँ, कोई फ्रेंड की कहानी बता देती हूँ कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा किया, तो शायद उसकी वजह से उनको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मोटिवेशन मिलता होगा कि नहीं हमको करना चाहिए,
और बैकआउट करने का रीज़न तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत हम तो देख ही रहे कि आजकल वर्क कल्चर में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बाहर अगर हम जाते हैं तो, और कभी कभी लड़कियों को घर से भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो उसकी वजह से भी शायद वो वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट करते होंगे। और उसके लिए लड़कियों को फाइट भी मारनी पड़ती है घर वालों के साथ। घर वालों को बहुत, मतलब मैं खुद बहुत बोलना पड़ता है कि मैं करूँगी बहुत अच्छे से, और उनको ऐसा है कि 8 बजे का अगर टाइम दिया है तो 8 बजे ही पहुँचना पड़ेगा, 8 बजे से अगर लेट तुम जा रहे हो तो इन्फॉर्म करो कि क्यों लेट हो रहा है तुमको। तो शायद लड़कियों को ये रेस्ट्रिक्शंस होते होंगे घर से। हाँ, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है लड़कियों के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्क कल्चर में या काम के समय पे लड़के जो हैं वो ज़्यादा बॉन्डिंग करने की वजह से ग्रो करने लगते हैं और लड़कियों के लिए एक चैलेंज आ जाता है कि वो कितना बॉन्डिंग कर सकती हैं, ऐसा कुछ तुम्हें फील हुआ क्या कभी कि ऐसा एक प्रॉब्लम आता है या होता है? मेरे केस में तो मुझे ऐसा नहीं फील हुआ, बट बहुत सारी लड़कियों का होता है कि वो पहले थोड़ा मतलब हिचकी जाती है कि कैसे बात करें अगर मेल होगा कोई तो, right. तो इसीलिए शायद वो प्रॉब्लम आती होगी लड़कियों को। हाँ, ये एक... अगर वो फ्रीली अगर सबसे बात करें ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हम बात कर सकते हैं। और लड़कों का बॉन्डिंग में भी मतलब लड़के करते हैं वैसा, जल्दी ग्रैप कर लेते हैं ये सब चीज़ें, बट लड़कियों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो खुद सामने नहीं जाती है, खुद बात नहीं करती है। ये तो सच है, और चूँकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एकेडमी में तो ये फील भी होता है कि यार लड़कियों को 2-4 और चीज़ों के साथ फाइट करना पड़ता है, वो पता नहीं कैसे करेंगी। हाँ, जैसे वो काउंसलिंग के लिए भी आते हैं तो बोलते हैं हमारे घर का इशू है, अगर कोई कोई तो हाउसवाइफ्स होती है तो उनके बेबीज होते हैं, अभी बहुत सारी स्टूडेंट्स हमारी ऐसी है जो उनके बेबी को उनको लेने जाना पड़ता है तो उनको वो टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, आने के वक्त जब वो आती है तो उनको छोड़ के आती है, जब जाती है तो लेने के लिए जाती है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम अगर इधर उधर हो जाता है तो उनका वो प्रॉब्लम हो जाता है स्केड्यूल का। राइट, सो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करती है लड़की। और वैसे मैं बता दूँ सब लोगों को कि साक्षी जो है वो पर्सनल रीजन की वजह से मूव कर रही हैं, है ना, अदरवाइज हम लोग भी मिस करने वाले हैं साक्षी को यहाँ पे। और तो साक्षी जैसे स्टार्ट किया, अगर हम कॉल करते हैं, कॉल काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें तो बड़ी बार रिजेक्शन होता होगा, कुछ लोग फोन उठा करके अजीब से बात करते होंगे, तो उस टाइम को कैसे कोप अप करती थी और कैसे तुम खुद को मोटिवेट करती थी कि चलो अगला कॉल लगा देते हैं? राइट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो सेल्स में सीखी है जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थी, पेशेंस। मेरे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं थे स्टार्टिंग में, मतलब मेरा ऐसा था ना कि फटाफट कर दो, ये हो जाएगा, फटाफट कॉल पे बात कर लो, खत्म। मतलब बहुत प्रॉब्लम आती थी मुझे ये बात के लिए, थोड़ा मैं अभी देख रहे होंगे सब लोग कि मैं थोड़ा स्पीडली बात करती हूँ, तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में। तो क्या होता था कि कॉल अगर मैं बात कर रही हूँ किसी से तो कभी कभी ऐसा होता था कि उनको समझ भी नहीं आता था मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर कभी कभी नहीं करना है तो वो रख देते थे फ़ोन, तो मैं टेंशन में आ जाती थी कि अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब कैसे करूँ ये कॉल। तो बहुत उसके लिए मुझे सपोर्ट किया बहुत टीम ने, प्रसाद सर ने स्पेशली बहुत मुझे हेल्प किया कि मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे पेशेंटली बात कर सकती हूँ, और अभी मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं पेशेंटली मतलब मुझे बिना डरे कॉल में हैंडल कर सकती हूँ, अगर कोई भी रीज़न से कॉल आ रहा है तो मैं पेशेंटली हैंडल कर पा रही हूँ उसको। तो ये एक चीज़ है जो ऐड हुई है। हाँ, है ना, हम जहाँ पे काम करते हैं, मैं भी जहाँ शुरुआत में काम करता था काफ़ी सारी चीज़ें सीखी इनिशियली कि टीम कैसे काम करती है, आप प्रोसेसेस कैसे डिफाइन करते हो। शुरू में मुझे भी लगता था कि यार एक्सेल शीट वगैरह तो बड़े बकवास चीज़ है, टाइम पास करते रहते हैं मैनेजर, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है और ये हम सीखते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें खुद का भी स्टार्ट करना है कम से कम 2-3 साल काम करो, जॉब करो, ऑब्जर्व करो, सीखो, और टीम मेम्बर से तो हम सीखते ही हैं। सो मुझे एक दो स्टोरीज बताओ जो स्टेज में हुई और तुम्हें सीखने को मिला बहुत कुछ, एक तो पेशेंस वाली चीज़ जो शेयर की, और क्या चीज़ें मिली सीखने के लिए जो तुम कैरी करोगी इवन इन योर लाइफ फर्दर? एक तो प्रोफेशनलिज्म का मुझे समझ में आया बहुत, मतलब अभी बेसिक है वो कि मुझे नहीं पता था इतना कैसे कर सकते हम, बट बहुत सारी चीज़ें होती है कि प्रॉपरली ईमेल कैसा भेजा जाता है, एक्सेल शीट कैसे मेंटेन की जाती है। अभी जैसे आपने बोला एक्सेल शीट बहुत बोरिंग टास्क है, तो मुझे भी लगता था कि क्या एक्सेल शीट में हम इतना रिमार्क्स लिखे, हम फटाफट फ़ोन पर बता देंगे सर को, बस बात ख़त्म। लेकिन फिर प्रसाद सर ने मुझे बताया कि आप एक्सेल शीट में लिखो, तो बाद में हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर वो शीट खोलते तो हमारे पास डेटा होता है कि क्या हुआ था उस टाइम पे और हमने वो क्या रिमार्क लिखा है, तो हमको याद होता है, बताई हुई बातें याद नहीं होती है। तो वो मुझे एक समझ में आया कि डेटा प्रॉपरली मेंटेन अगर रहा
तो बहुत एक फ़ायदा होता है आगे। और मैंने देखा है खुद कि मैं जब डेटा मेंटेन करके लिख के रखती हूँ तो मुझे वो याद रहता है। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं कर रही हूँ कि नहीं मुझे याद रहेगा, बट मैं खुद भूल जाती हूँ बाद में। तो फिर वो एक मुझे समझ में आया कि डेटा अगर मेंटेन रहा तो फिर बहुत फ़ायदा होता है उसका। सो इसलिए हम लोग फिर टूल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। और मैं खुद भी, मुझे याद है कि बीच में जब तुम्हारे एग्जाम्स थे और तुम चली गई थी 7-8 दिन, तो कई सारा डेटा जो था वो ऐसे ही पड़ा था और हम लोग सब परेशान थे कि यार ये मिस होने वाला है डेटा। तो वो चीज़ रहती है। और एक जो मैं हाईलाइट करूँगा कि जो तुम्हारी पंक्चुअलिटी थी, मतलब मैं आया, मुझे पता है कि मेरा सेशन ख़त्म होगा 7:30 वाला एंड साक्षी होगी अपनी जगह पे, और वो रहती है। सो ये कैसे कर पाते हो? बहुत लोग फाइट करते हैं टाइमिंग को लेकर के, उनको होता है यार आज तो खाना लेट बना, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया, और ऑफिस को लेट हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा लेट होते हुए। सर टाइमिंग के मामले में तो मैंने मेरे पापा से सीखा है एक्चुअली। ये 5 बजे अगर किसी ने हमको रेडी होने बोला है तो 4:30 बजे रेडी रहना और रहना ही है। मुझे मेरे पापा ने बचपन से ये चीज़ सिखाई है और वो चीज़ मेरे अंदर इतनी आ गई है कि अगर दूसरा कोई लेट हो जाता है ना तो मुझे उसका बहुत गुस्सा आ जाता है कि अगर इसने मुझे 5 बजे बोला है और वो 5 बजे नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? उसने मुझे बोला इसलिए मैं आई हूँ, और वो भी जल्दी आई हूँ। और मेरा ऐसा है ना, किसी ने अगर मुझे बोला है कि तुमको इस टाइम पर यहाँ पे आना है, बस मुझे आना है, अगर मुझे लेट हो जाता है ना किसी भी रीज़न से, कोई बहुत वैलिड रीज़न भी हो ना उस बात का, तो मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं लेट हो गई। ये बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इस पे ना टीम में भी एक डिपेंडेंसी बनती है। मतलब मुझे अगर 9 बजे एक मीटिंग करनी है और 9 बजे मैंने टीम को टाइम दिया है तो यार वो डिपेंडेंसी है, मैं अकेला तो मीटिंग नहीं कर लूँगा, लोगों का होना ज़रूरी है। और उसमें फिर एक्सक्यूजेज आने लगे मॉर्निंग में तो एकदम फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, और ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इम्पैक्ट करती है तुम्हारे प्रोफेशनल ग्रोथ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। सो दिस इज़ अ वन थिंग आई रियली सल्यूट योर फादर की उन्होंने ये चीज़ कि, और ये सच में मतलब घर से आती है चीज़ें, कि बचपन से अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो हम उठते हैं, वो आदत ही लग जाती है, टाइम पे आने की आदत ही लग जाती है। सो वो एक हैबिट है जो टाइम के साथ डेवलप की जा सकती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्वालिटी। थैंक यू सर। और एक तो सब लोगों के साथ इट्स अ टीम वर्क ना, तो हमेशा इन्वॉल्वमेंट होती है टीम की, है ना? हमारी अकेले की तो कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, मिलकर के लोग करते हैं। तो वो मैंने एक ऑब्जर्व किया तुम्हारे बारे में कि काम करते समय टीम को लेकर के साथ चलना, टाइमली अपडेट करना, कम्युनिकेट करना, ये बहुत अच्छा था। सो मुझे ये बताओ कि अब तो नाउ यू आर मूविंग टू मुंबई और वहाँ पे अब है, तो कैसे रहेगा प्लान? मुझे दो चीज़ें बताओ जो तुम कैरी करोगी स्टेज से, हाँ ये दो चीज़ें अब मैं कैरी करने वाली हूँ यहाँ से। एक तो प्रोफेशनलिज्म, ठीक है ये तो रहेगा ही, कोई मेमोरी भी हो सकती है, कोई इंट्रैक्शन भी हो सकता है टीम मेंबर्स के साथ में। एक चीज़ मैम के बारे में बताना चाहूँगी मैं। एक बार ऐसा हुआ था, मैम ने मुझे बोला था कि मैं कोई चीज़ अगर किसी ने मुझे बोला कि ये तुमने क्यों किया नहीं, तो मैंने क्यों नहीं किया उसका मैं इतना बड़ा उसको जस्टिफिकेशन देती हूँ कि, और ऐसा स्पेसिफिक बताती हूँ कि क्यों नहीं किया मैंने ये। ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए एकेडमी में और मैम ने मुझे समझाया उस बारे में कि साक्षी तुम ऐसा मतलब एंशियस हो जाती हो तुरंत और उसको जस्टिफाई करने लग जाती हो, और इसकी जगह पे अगर तुम इतना बोल दो कि यस ओके हो जाएगा, इतना बोल देती हो तो वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तुमको भी प्रेशर नहीं आता है और सामने वाले को भी नहीं आता है। और ये बात जब मैम ने मुझे बताई उस टाइम पे मुझे थोड़ा लगा कि नहीं यार मैं तो बता रही हूँ तो मुझे मतलब जस्टिफाई तो करना होता है ना कि मैंने क्यों नहीं किया। लेकिन कुछ कुछ दिनों के बाद जैसे इंसिडेंट्स होते गए तो मुझे समझ में आया कि जो मैम ने बोला था वो एकदम सही बोला और मैं ये कैरी करने वाली हूँ 100%। ये बहुत अच्छी लर्निंग है। कुछ कुछ चीज़ें हैं ना वो जस्टिफाई नहीं करो ना तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे टॉपिक खत्म कर देना चाहिए क्योंकि फालतू में उसका बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और सामने वाले पर्सन को भी प्रॉब्लम होती है और हमको भी, हम खुद प्रेशर ले लेते हैं उस चीज़ का। जी सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रबर को फिर खींचने लगते हो, हाँ, है ना? फिर वैसा था वो कुछ बोलेंगे हम कुछ बोलेंगे और वो खींचा ही जाता है, वो टॉपिक खत्म नहीं होता है और वो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है, ऐसा हो जाता है। तो वो बहुत सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैम ने मुझे सिखाई है और आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम। सी सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड जो लोग ये देख भी रहे होंगे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है कि यार
कई बार इंसिडेंट्स होंगे, आप खींचो मत उसको, है ना। बहुत ज्यादा अगर जस्टिफिकेशन देने लगोगे तो वो कॉन्वर्सेशन बढ़ता जाएगा। ये बात सिर्फ सर मतलब मैं प्रोफेशनल लाइफ में नहीं कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में भी करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज उधर भी मैटर करती है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बहुत बढ़ाना सही नहीं होता है, वो वहीं पे खत्म कर देनी सही होती है, खत्म करनी सही होती है। और इग्नोर कर देना भी इग्नोर कर देना सही होता है कभी कभार। ये तो है। मेरा ऐसा है ना, मैं इग्नोर ही नहीं कर पाऊंगी, नहीं मैं उसको बता के रहूंगी ऐसा होता है मेरा, बट अभी मैंने वो चीज सीख ली है और मैं डेफिनेटली मतलब 100% मेरा चेंज हो गया ऐसा नहीं, बट चेंज हो रहा है। सो हमारे टीम में अभी तुमने काम किया, विक्रांत के साथ काम किया, है ना, मैम के साथ काम किया, तन्मय मैम के साथ, सब लोगों के साथ काम किया, तो मुझे टीम मेंबर्स के बारे में एक्सपीरियंसेस बताओ तुम्हारे, कैसा रहा? ओके, ये बहुत डिफिकल्ट है, सबके साथ सेम ही था मेरे लिए। मतलब आपके बारे में बात करूँ तो सर पेशेंस का मैंने आपसे ही सीखा है बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी सीख रही हूँ आपसे, और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि मैं नहीं कर सकती आप जैसा पेशेंस हैंडल नहीं कर सकती, मतलब आपके जो पेशेंस है वो नहीं हो सकता, मुझसे होगा ही नहीं। मैंने बहुत देखा है कि आप सेशंस में मतलब स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभार आपको लेट होता है, कभी आप अच्छा भी नहीं फील करते हो, फिर भी आप उनको पेशेंटली हैंडल करते हो, और कभी कभी कुछ भी सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के, फिर भी आप उतना पेशेंटली हैंडल करते हो उनको। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं सर की जगह पर होती तो मैं एक सवाल नहीं सुन पाती लोगों का, तो ये चीज़ मैंने आपसे बहुत ज़्यादा सीखी है और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके जैसे बनूँ, मतलब मैं नहीं बन सकती बट मैं ट्राई करूंगी। जैसे तुमने अपने फादर से सीखा है ना टाइम पे उठना, मैंने पेशेंस मेरे फादर से सीखा है। ओके। मैं कितना भी कुछ सवाल करता जाऊं आराम से बैठेंगे सुनेंगे, तो मैंने वहां से सीखा है। हमेशा से सीखा है कितना भी प्रेशर वाला मतलब माहौल हो, आप वही सेम स्माइल होती है आपके फेस पे, और कभी वो प्रेशर दिखा नहीं मुझे, और मुझे लगता है इसकी वजह से ये अकेडमी इतनी स्ट्रांगली यहाँ पे खड़ी है। और मैम से भी मैंने वही सीखा है कि मैम मतलब हर चीज़ को इतना अच्छे से मैनेज करते हैं मैम, और मैंने वो चीज़ सीखी है मैम से कि कितना भी लेट हो जाए मैम को याद रहती है वो चीज़ प्रॉपरली कि हाँ इस दिन मुझे ये करना था, उस दिन मुझे ये याद दिलाना था। बहुत सारी चीज़ें हम हमारे रेगुलर लाइफ में भूल जाते हैं, लेकिन मैम को वो चीज़ें याद होती है, और मैम हमको कंसिस्टेंटली याद दिलाती रहती है कि तुमको ये करना है, तो मैम से मैंने बहुत सीखा है। उसके बाद प्रसाद सर से तो मैंने ट्रेनिंग ही ली है कॉलिंग्स कैसे करने, और अभी भी सीख रही हूँ उनसे कि लीड को कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब उनका टेक्निक ही अलग है, मतलब वो पता नहीं कहाँ से ऐसे निकाल के आते हैं ट्रिक्स। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि सर ये ट्रिक आप मुझे भी सिखाओ। ये है, अब तुम्हारे सामने बच गई तन्मय मैम, विक्रांत सर, इनके बारे में क्या है सीन? तन्मय मैम से तो मैंने वीडियो एडिटिंग के बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, वर्कशॉप भी किया था उनका, और अभी भी सीख रही हूँ मैम से भी मैं कि अब वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। बेसिकली उनसे तो वीडियो एडिटिंग ज़्यादा सीखी है मैंने, फिर अकाउंट्स के रिलेटेड मैम से बहुत सारे कन्वर्सेशन हुए हैं, तो वो भी उस मैटर में भी मैम ने मुझे सिखाया है कि कैसे बात करना है तुमको, पेशेंटली कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अकाउंट्स के रिलेटेड जब हम पैसों की बात करते हैं तो थोड़ा शांति से बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड चीज़ होती है कि मतलब बहुत टेंशन है उसमें, सामने वाले को भी होता है, उनका कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, हमको भी टेंशन होता है कि हमारा अपडेट हो जाना चाहिए, तो वो भी पेशेंटली कैसे हैंडल करना है मैम ने सिखाया है मुझे, मैम से वो सीखने मिला है। उसके बाद विक्रांत सर से भी अभी तक सीख रही हूँ मैं उनसे भी, और ऐसा है कि मैं सबसे अभी तक सीख रही हूँ विक्रांत सर से, मैंने वो कन्वर्जन करते तो मैं उसे सुनती रहती हूँ वहाँ से डेस्क पे बैठ के कि सर कैसे बात कर रहे हैं उनसे, वो मैंने बहुत बार सर को बोला है सर आपने तो ऐसे बोल दिया उनको फिर अभी कैसा होगा। तो लेकिन सर वो बाद में जब प्रॉपरली हैंडल करते हैं ना वो चीज़ को, मुझे समझ में ही नहीं आता कि सर कैसे कर लेते हैं मैनेज ये चीज़। मैं उनको बोलती हूँ सर नहीं ये तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, आप कैसे बोल सकते हो ये कन्वर्ट होगा। सर मुझे बोलते हैं साक्षी तुम देखना 2 दिन बाद कॉल आएगा कन्वर्ट हो जाएगा। और हो ही जाते हैं कन्वर्ट, मतलब पता नहीं सर उनको ऐसा क्या देते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैं जब उनकी बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि सर नहीं ये तो करने के हिसाब से आया ही नहीं है कोर्स, ये तो ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे ये नहीं होंगे कन्वर्ट। सर बोलते नहीं हम उनको ऐसा कुछ बताएंगे कि कन्वर्ट होंगे वो, और वो हो जाते हैं बच्चे। चलो अच्छा है, देखो कितना कितने लोग हैं, यही होता है टीम में, और आई एम श्योर कि ये जितने भी लोग हैं ना ये तुमसे भी चीज़ें सीख रहे होंगे, तुमसे तुम्हें भी ऑब्जर्व करते हैं। मैं तो खुद ही ऑब्जर्व करता हूँ कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, और मतलब क्या है क्या करते हैं कि वो एनर्जी शाम तक वैसे ही रहे। सो तुमसे भी चीज़ें सीखते हैं टीम में जब सब लोग साथ काम करते हैं, एंड इट वॉज रियली वंडरफुल वर्किंग विथ यू। हम लोग तो हमेशा याद रखेंगे, और वैसे भी अभी तो सेंड ऑफ पार्टी भी है ना, सो उसमें भी जाएंगे।
बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग विद अस. थैंक यू सो मच टू सेंस एकेडमी. आई एम सो ग्रेटफुल. मैं बहुत मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने ज्वाइन किया सेंस से और ये सीखने मिला मुझे इतना सब कुछ. मैं मतलब मैं सब बैक एंड में जाती हूँ. मेरा कभी ऐसा ड्रीम ही नहीं था कि मैं सेंस को ज्वाइन करूँ या फिर मेरा जॉब ही करने का कोई ड्रीम नहीं था. मुझे ऐसा था कि पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने लकीली ग्रैब की और मुझे ये सीखने मिला. आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.